तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के अंदर। जैसे कि आपने पिछले वीडियो के अंदर देखा था, हम लोग रात को फिर इस गांव में ठहर गए थे और इस गांव का नाम है कोठी। और हमारे साथ में आपका शुभ नाम क्या बताया? राजेंद्र कुमार राज बोलते हैं वैसे मेरे को। इनका ये यहाँ पर खेत है, घर है और कोठी आपका गाँव है। तहसील घुमारवी, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। अच्छा, तो हम लोग रात को दोस्तों यहाँ पर आए थे और पहले से ही ये जो फैमिली है हमारे, आपकी तरह वीडियो देखते थे और एक इनकी बच्ची यानी कि दीदी है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप हमारे गांव में आए ठहरें। देखने के लिए हम लोग आ गए और अभी खेत देख रहे हैं। यहाँ पर खेतों में क्या क्या बोया हुआ आपका वैसे? हमारे पलम का बगीचा लगाया हुआ। अच्छा, पलम का पेड़ कौन सा होता है? मुझे तो कुछ नहीं पता। पलम का? अच्छा, ये पलम का खाने का होता है? बार की वैरायटी है, ब्लैक एम्बर के नाम से। अच्छा, लेकिन वो तो छोटा पेड़ है, 2-3 साल बाद में होगा ना। अरबी की सब्जी नहीं होती? अरबी वो तो जमीन में नहीं लगती। अरबी जमीन में ऊपर पत्ते ना, पत्तों की भी सब्जी बनती है। इसके पत्तों की सब्जी बनती है, जमीन में जो अरबी उसकी भी सब्जी बनती है। लेकिन एक फल भी लगा इसके ऊपर, फली जैसी है ये। नहीं, ये तो भिंडी है। अच्छा, ये तो भिंडी का, ये भिंडी है, ये अपनी लोकल भिंडी है, पुराने घर का बीज। इतनी मोटी मोटी भिंडी, पुराना घर का बीज जो पुराना टाइम से हमारा चला हुआ। दोस्तों यहाँ आने के बाद में पहली बार किसी खेत में हमने देखी है बाजरी। क्या आप हमेशा बोते हैं बाजरी? हमेशा, मक्की के जब मक्की का सीजन होता है ना, मक्की बीजने का, तो उसमें बाजरा हम जरूर बीजते हैं। खुद के लिए, पशुओं के लिए। वैसे दोस्तों बाजरा राजस्थान में खूब होता है, लेकिन यहाँ हमने पहली बार किसी खेत में बाजरी देखी है आपके। पर आप इसको खाते नहीं हो? नहीं, खाते नहीं। अच्छा अच्छा, इसको खाते भी हैं? इसको पूरा राजस्थान खाता है इसको। तो पारंपरिक जैसे यहाँ पर मक्के की रोटी खाते थे ना आपके दादा परदादा, वैसे बाजरी खाते थे हमेशा से, क्योंकि यही अच्छे तरीके से होती है उसमें, मतलब हमने तो कम बारिश में हो जाती है। एक मंडल होता था, मंडल, मंडल नाम सुना है आपने? एक अनाज होता है मंडल। अच्छा, उसको भी बीजा हुआ है, मैं ऊपर दिखाऊंगा आपको, उसमें फल फलियां लगी हुई है। वो खाते थे आपके पारंपरिक? अभी भी उसको बड़ा मानते हैं उस चीज को। हमारे तो यहाँ था नहीं, पर लेकिन अभी इस बार जो है नया बीज तैयार किया उसका। अच्छा, पूरी हल्दी आपकी? हल्दी होती है? हाँ, होती है। हम अपने घर की हल्दी यूज करते हैं। हल्दी अपने घर की? मतलब आप इसी खुद को पीसते भी खुद ही हो? हाँ। नहीं, पीसने के लिए ले जाते हैं, स्पेशल मशीन होती है। अभी लगी हुई मिलेगी हल्दी? इसके नीचे जड़ों में लगी होगी। हाँ, पंडोल की सब्जी। हाँ, ये इतना जितनी आपकी हाइट है ना, इतने हाँ। लंबे लंबे भी होते हैं। अच्छा, ये थोड़ा छोटा है अभी, ये हमने बीज की। लेकिन इसको देख कर कुछ सांप जैसा लग रहा है ऐसे। हाँ, अचानक रात में तो डर जाएगा याद। ये देख बेटा ऊपर सांप, ये इतने लंबे लंबे होते हैं, 4-5। इसको क्या बोला? पंडोल। ये तो एक ही अलग थोड़ी है, ये तो अलग है ना? हाँ, ये अलग है, ये सब किस लिए? बहुत कैप्सूल है, मक्खी लगती है ना इसको फलों में। नहीं, इसके अंदर क्या चीज डाला है? इसके अंदर ये लगाया है, एक लकड़ी का कुछ ना, इसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है। अच्छा, जो सब्जियों को खराब करने वाली मक्खियां होती हैं वो उस फ्रेग्रेंस के पास चली जाती हैं और सब्जियां डैमेज होने से बच जाती है और मच्छर सारे इकट्ठे अंदर हो जाते हैं, फंस जाते हैं और मर भी जाते हैं, फिर मर के नीचे गिर जाते हैं। यहाँ नीचे पानी डाला होता है। हां, तो ये तो पानी है। हां, वो इसमें अंदर उलझे रहेंगे और फिर मर जाएंगे। अच्छा, अदरक भी आपके खेतों में करते हो पैदा? कौन सी है ये? ये जो छोटे छोटे पौधे हैं ये अदरक के? हाँ, इस जमीन में निकलेगा ना। हमने आज से पहले अदरक तो कभी नहीं देखी ऐसे। हाँ, मतलब ऐसे मार्केट में ही देखिए, पौधा नहीं देखा था, ये अदरक है। अच्छा, सिर्फ घर के लिए है का बेचते भी हो? नहीं, अभी घर के लिए, अपने सिर्फ घर के लिए, इतनी पूरी घर के लिए है। अच्छा, अगर इनमें से कोई खोदेंगे तो उसके नीचे निकलेगी। हाँ चलो, अदरक खाएंगे। इसको कच्ची को खा सकते हैं? बोल तो बहुत बढ़िया, पर वो जलन लगेगी। नहीं, मीठ बाल का कच्चा तो अच्छा होता है, कच्चे में तो थोड़ा मीठापन होता है। ये तो आपने पूरा ही काट दिया पौधे को? तैयार हो रहा है, ये पुराना है ना, ये पुराना है जो बीजा था। अच्छा, अब ये नया बन रहा है। अच्छा, अदरक से फूट कर ही अदरक लगती है? हाँ, सोंठ को बीजते हैं क्या? सूखी सोंठ को? नहीं, गिली हरा अदरक, हरा हरी अदरक। बीज लाएंगे ना, बीज लेके आएंगे और अच्छा इसको बीज देंगे बीच में, फिर इसी से निकलेगा, फिर इसी से ये बन रहा है।
ये तो नया ताजा है ना। हाँ, ये नया, ये पुराना, ये बीजा था। नया निकाल दे, खा लेंगे, नया बढ़िया। नहीं 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 खाएंगे, ऐसे कह रहे तुम्हें तो। नहीं, सैलेड में तो खाते हैं वैसे। अच्छा, खा लेते हैं ऐसे? हाँ, कच्चा खा लेते हैं। कच्चा खा लेते हैं, खाना डाइजेस्ट करता है अगर जैसे एक दो पीस खा लें इसके कच्चे के काट के। लेकिन वो तो वो लगता है जलन होगी ना। तेज, ये पुराना जब होता है वो तीखा होता है, कच्चा नहीं होता, एकदम कच्चा तीखा नहीं होता। अच्छा, ये ठीक होता है खाने। इतनी लंबी लंबी भिंडियां लगी होती है। ये तो पकी हुई देखी थी हमने, एक बड़ी भिंडी देखी थी। हाँ, ये आजकल के सीजन में होती है, बरसात में। देखो इतनी बड़ी। अच्छा, ये इसकी सब्जी बना सकते हैं ये वाली? हाँ, छोटी की सब्जी, और ये बीज के लिए रख दी है। अच्छा, ये देसी भिंडी होगी नहीं? हाँ, ये हल्दी सारी, ये पूरी हल्दी है। हाँ। हल्दी की सब्जी बनाते हो आप? नहीं, तो वही हल्दी पाउडर बना, सब्जी कभी नहीं बनाते कच्ची हल्दी की? नहीं। अच्छा, कच्ची हल्दी का वैसे वो बनाते हैं अपने, जो उसमें मेवे वगैरह डाल के ना। अच्छा, लड्डू की तरह। हाँ, खाते हैं फिर? हाँ। क्या बात, ये भी अभी तैयार नहीं। हल्दी तो अदरक की तरह हल्दी होती है, उसकी सब्जी नहीं बनाते हमारे साइड में? वो राजस्थान में खूब बनाते हैं, प्रसिद्ध है। वैसे ही निकलेगी गठिया ना इसमें, अदरक की तरह, पर इसकी सब्जी नहीं बनाते हमारे। इसको ऐसा करते हैं, अगर बनाना हो तो इसका वो मेवा डाल के ना। हाँ, वो चोरी बनाते हैं। आप उसको क्या बोलते हैं? जमावना बोलते हैं हम लोग तो। नहीं नहीं नहीं, जो लड्डुओं का, मेवे का जो बनाते हैं, जमा के लड्डू जमा के खाते, उसको जमावना बोलते हैं। हम लड्डू भी नहीं बनाते, मतलब ऐसे एक मटेरियल जो करके खाते हैं महीने भर 15-20 दिन सर्दियों के टाइम खाते हैं। साल होना है इसके। किसको? ये जो आधा खेत है ना। हाँ हाँ, हल्दी का आधा खेत, ये इस साल बीजा हुआ है। और इससे जो परे को बड़े बड़े दिख रहे ना आपको, वो पिछले साल की है। दो साल के बाद उखाड़ेंगे, मतलब अब इस बार दो साल के बाद दो फसल ले लेते हैं इसकी। हाँ, नहीं, इस बार हम वो परे वाली पटेंगे, वो जो उखाड़ेंगे, वो जो परले वाली है। अच्छा, इसको रहने देंगे ऐसे ही। ऐसे क्यों? दो साल में तैयार होती है हल्दी? दो साल में अच्छी तैयार होती है, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा क्वांटिटी में नीचे निकलेगा फिर। अच्छा, ऐसे है। इसको मतलब फिर उसकी जगह और बीज देंगे और इसको अगले साल में करेंगे। अच्छा, ये हरा बैंगन कभी देखा ही नहीं। सफेद भी होता है? नहीं, हमारे साइड में तो सफेद रंग का होता है, वही वाला। ये बैंगनी कलर नहीं होगा इसका? बस यही हरा ही रहेगा। हरा ही रहेगा, पकेगा तो भी हरा ही रहेगा। बिल्कुल हरा ही। अच्छा, तो ऐसे हरे की फिर सब्जी बना सकते हैं? पकेगा ना। हाँ। पक जाएगा तो पीला पीला रंग हो जाएगा, नीला नीला, पीला पीला, पीला होगा थोड़ा, बिल्कुल पीला। अच्छा, निकलेगी दालचीनी। दालचीनी का ये? दालचीनी निकलेगी छिलके से। अच्छा, और जो इसमें फूल लगेगा वो होगी ज्योति, ज्योति ज्योति जो पंसारी के पास मिलती है। अच्छा, और जो उसमें फल लगेगा वो लगेगा उसमें जायफल, जायफल जो मसाले में पड़ता। हाँ, हाँ, हाँ। ये तीन चीजें निकलती है की पौधे। तो ज्योति, ज्योति जावत्री को बोलते हैं। हाँ, जावत्री, दालचीनी जावत्री। फल लगेगा वो जायफल। अच्छा, चीज है दोस्तों, हिमाचल में बारिश और इन्वायरमेंट अच्छा है, मतलब बारिश हो जाती है और यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, तो कुछ भी लगाओ, सिर्फ बीज लगाने की जरूरत है, सब अपने आप लगेगा, तैयार हो जाएगा, थोड़ी मेहनत तो करने पड़ती। तो इसलिए हम लोग जितने भी एक सब्जी की दुकान पे सब्जियां देखते हैं वो इनके घरों में, खेतों में होती है सारी, अपने घर में तैयार है सारी सारी की सारी। कभी ना लाते नहीं सब्जी आप? जरूरत ही नहीं पड़ती है, अपनी नहीं खत्म होती बल्कि उल्टी बांटने पड़ती है कई बार दुकानों में भी, आजकल लोकल में सबके पास। अच्छा, कम होती है तो बांटनी पड़ती, बांट देते हैं या फिर दुकान में दे देते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, पानी होता है वहाँ पर, सब कुछ फलता फूलता ही है। कहाँ से लाए बेटे? ये दिल मेरे तोड़ के रखी है। अच्छा, मैंने पहले तोड़े थे, आप तोड़ लो खेत से। ये कल ही तोड़ के रखे थे, इन्होंने ऐसे सोचा कि हम जल्दी आएंगे तो भुट्टे ऐसे फेंक के। हाँ। अच्छा, तो आपके लिए बनाने थे खाना खाने से थोड़ा पहले, ताकि फिर खाना खाने के भी। मुझे भुट्टा खाना है। सारे रूट ये इन सारे में कलम करेंगे। वो देखो पीला कलर हो गया जो पक, किस चीज का? अच्छा, वो बैंगन येलो बैंगन हो गया ना। ये आपके अपने आप उगता है या लगाते हो आप? ये अपने आप, अपने आप ही, अपने आप। तो आपको तो काटने पड़ते हैं, बहुत काटने पड़ते हैं पशुओं के, उसमें फेंक देते हैं नीचे। ये मीठा नीम? हाँ, इस जो कड़ी पत्ता बोलते हैं, कड़ी पत्ता। तो ये जबरदस्ती, हाँ हाँ हाँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसकी कड़ी की खुशबू आती है ना। हाँ, ये निकाली है। अच्छा, तुन्नी आपका जो पेड़ होता है उसकी लकड़ है? मोटे लकड़ लगा। अच्छा, उसमें जो बीज लगता है
बताया, मैं भूल गया कुछ नाम बताया था, मंडल मंडल हाँ। उसकी रोटी का क्या खासियत है, उसको आज बनाएंगे अगर कहीं दबा के रख देंगे आप एक साल के बाद भी निकालोगे वो बासी नहीं हुई होगी, उसी टाइम कोदरा ही बोलते हैं वही होगा फिर, मंडल या कोदरा हमारे इधर मंडल बोलते हैं उसको, जब कभी कुछ भी ना हो, कोई फसल ना हो ना तो उसका अनाज रखा हो अगर घर में तो उसको फिर निकाल के टाइम, जैसे कुछ भी ना हुआ हो खेतों में उस टाइम खाने के लिए यूज करते हैं। इस ये ब्लैक होगा तो भी आइडिया आ जाएगा, तो भी तैयार है आपने करना, आप तो कौन सी निकाल रहे हो इधर, कई बार ऐसे सूख जाते हैं और हाथ से निकालने पड़ेंगे, अभी इतना तैयार नहीं हुआ है ना। आपके तो खेत में होते हैं तब आप भुट्टे कभी खाते भी हो? हाँ बहुत खाते, के लिए बीज है सिर्फ, एक खेत की खाना ही है सिर्फ। अच्छा सिर्फ खाने के लिए मतलब तोड़ के खाने के लिए, आटा खाने के लिए नहीं, ऐसे बना के खाने के लिए, ऐसे भून के खाने के लिए खेत बो दिया पूरा ही। वैसे तो जमीन कहीं दूर भी है ना, वहाँ तो और भी बीजे हैं, तो वो तो आटा बनाने के लिए होगी, आटा बनाने के लिए, पर यहाँ नजदीक में ये इसलिए भी खाने के पर्पस से ऐसे भून के बनाने के लिए। दोस्तों एक बीघा खेत सिर्फ खाने के लिए बीज दिया, आप इसको फिर सुबह सुबह नाश्ते में सर्दियों में जैसे बैठे मन किया, जैसे मन किया। अच्छा ये जैसे सर्दी आएगी तो आग जगाई और बैठ के खाने लग गए, और बाकी अगर हम पूरी जमीन में बीज देते ना तो पौधे खराब होने थे, क्योंकि इसका पौधा लंबा। अच्छा पूरी में बीज देते तो नीचे वाले खराब हो जाते, नहीं जो पलम लगाया पलम को प्रॉब्लम हो जाती थी इस वजह से नहीं बीजी, बाकी यहाँ पार जमीन हमारी वहाँ तो हमने काफी बीजी है ना पूरे में। अच्छा मतलब पर्सनल चक्की या पूरे गाँव की चक्की? राम राम आंटी जी, लोग भी आ जाते हैं ले जाने। अच्छा और अपने लिए भी लाइट से चलती है क्या? हाँ लाइट से, आओ अंदर चलो, लाइट लाइट है, लाइट है। अपना गनवी प्रोजेक्ट सेकंड स्टेज का काम जितना भी हुआ ना वो सारी टनल की मकीन कंक्रीट। अच्छा टनल वगैरह बनाने में इसने किए, अब तो ये चलता भी नहीं होगा? बिल्कुल सब स्टार्ट है। अच्छा चलता है अभी तक, चलता है वो भी नया लिया ना छोटा सा। दूध निकाल लिया क्या आज का था? हाँ निकाल लिया। ये पक्के में गाय भैंस के बैठने में दिक्कत नहीं होती? दिक्कत होती है लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे ही है, पक्का ही हर सबके पास पक्के में बैठाते हैं। वैसे मैं सोच रहा था आजकल एक वो गद्दा निकला है तो मोटे टाइप का, कोई गाय भैंस के लिए खास? हाँ अच्छा अब यहाँ गद्दे कहाँ लगाएंगे गाय के नीचे? नहीं है उसमें ऐसा है ना उसको मतलब उसको पानी से धो के साफ कर सकते हैं। अच्छा उसको पूरा प्रोविजन चाहिए ताकि उसका पानी जो है नाली बन जाए, नाली में जाए। इस नस्ल को क्या बोलते हैं आप? ये जर्सी गाय है। अच्छा जर्सी नस्ल है, देसी तो यहाँ पर हमें कोई दिखी नहीं, सारी ऐसी ऐसी कलर की और ऐसी फेस शेप वाली ऐसी भी दिखी, देसी बहुत कम है, देसी नहीं दी है, देसी एक गाय सुई है कल की ऊपर सड़क है। इसकी अलग एक सेम ही है नस्ल ये? ये इसी का, इसी की बच्चा है। अच्छा ये माँ है? हाँ ये भी, और ये इसी है ना, ये हल्दी की तरह लग रहा है ना पत्ते। हाँ है ये सौंठ जिसको सुंड बोलते हैं, सौंठ है, सौंठ के पौधे। सौंठ तो वही होती है क्या बोलते हैं, अदरक का ही तो रूप होता है सूखने के बाद में, भी बनाते हैं खा के, पर वो नहीं होती है असली होती है। इसको आप सौंठ बोलते हो? अदरक का इसको गिल्ली को काम में नहीं लेते? गिल्ली को नहीं खा के होती है। अच्छा राम राम, जय माता दी। ये रोज तुलसी परिक्रमा करते हैं? ठाकुरों की पूजा करके उनके ऊपर सारा उनको धूप बत्ती करके चढ़ा के उसके बाद फिर तुलसी के पास पूजा करेंगे। रोज तुलसी पूजा। और माता जी की उम्र क्या होगी लगभग? इनकी उम्र होगी इस टाइम की 85 साल। 85 साल के नजदीक। अच्छा ये तो आपने ऐसे मतलब अच्छा लगा शौक से? फूल आ गया है ना इसमें। कब आया ये? तो आता है इसमें रोज सुबह सुबह आता है क्या? डेली रोज आएगा। अच्छा शाम को बंद हो जाएगा। ये कमल का फूल है, अरे इनका कलर भी अलग होता है, जैसे ये तो बैंगनी कलर है। अभी ये है ना इसमें व्हाइट कलर का फूल आएगा, अभी ये अभी चलेंगे इनमें व्हाइट आएगा, किसी में रेड भी आता है, किसी में इस 6-7 रंग कलर का होता है। नींबू
दोस्तों मुझे तो इस बात का यकीन नहीं हो रहा है भुट्टे खाने के लिए एक बीघा जमीन में भुट्टे बो दिए। अच्छा सीजन की शुरुआत ही हुई है और मैंने इसको ज्यादा सर्दियों के टाइम में ऐसे खाएंगे नहीं, नहीं सर्दियों में नहीं, ये आजकल के सीजन में होगा, आजकल ही खाना पड़ेगा। अच्छा सर्दियों में तो ये पक जाएंगे पूरी तरह, सर्दियों से पहले ये अक्टूबर में अभी महीना भर है ये, उसके बाद तो ये पक जाएंगे फिर ये कट जाएगी फसल। अच्छा ये 3 मंथ की फसल होती है बीज जाए उसके बाद 3 मंथ में तैयार हो जाती है, 3 महीने में तैयार। हाँ 3 महीने में काट दी जाएगी। उस पता नहीं हो यार दुकान वाले कितने खराब रखते हैं, पक्के पक्के होते हैं तो कच्चा कच्चा है। हाँ ये अभी थोड़ा फर्क है इसमें पर ये मीठा होता है खाने के लिए, कच्चा कच्चा वो जो बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं इससे हवा मार के इन अंगारों में बनेगा तो टेस्ट डिफरेंट आता है। अच्छा हवा वाला वो सही नहीं, वो हवा से करते हैं फटाफट ना, उससे बाहर से नहीं पकता, जैसे ये अच्छा वो बिल्कुल येलो हो गया था तो ये अंदर तक पक गया है ये सीड पूरा, इससे मिठास ज्यादा आएगी। अच्छा वो जल्दी जल्दी बना देते हैं हवा मार के फटाफट। और दीदी आपका नाम क्या बताया मैं भूल गया, स्वाति शर्मा। एक और है उनका अन्नू, आपकी बड़ी सिस्टर अनुराधा। अच्छा वो रेगुलर देखते मतलब पहले से देखते आ रहे हैं। जो देखते हैं वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो इनकी सिस्टर है, इनसे छोटे हैं। उन सिस्टर को हम एक बार धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपके गांव में हम लोग आपकी वजह से आ पाए, उन्होंने ही बुलाया था, बहुत अच्छा लगा। काफी बिना नमक के भी टेस्टी होती है। हाँ और ये घर की मक्की है, पुराना बीज एक तो आती है ना थैली वाली, थैली वाली ये घर का बीज है अपना। अच्छा घर का बीज है, मीठा पुराना ट्रेडिशनल, वो मिक्स कुछ भी नहीं है, वो जहर से करते हैं वैसे कुछ नहीं, बुजुर्गों के टाइम से जो चल। एक दोस्तों मैं आपको बता दूं हिमाचल के अंदर जैविक खेती होती है, अधिकतर जगह जैविक खेती होती है, पेस्टिसाइड नहीं डालते, ये बहुत अच्छी बात है। अपनी गाय का गोबर जो होता है वही डालते हैं। आज हमने पेट भर भर के भुट्टे खाने हैं। गरम ही होते हैं मतलब गर्मी इंटरनली ये गर्म। अच्छा वैसे गरम खाएंगे तो शरीर में सर्दियों में ज्यादा अच्छे रहते हैं, खाने तो आजकल ही पड़ते हैं ना, मिलेंगे ही आजकल के सीजन में ना, बट ये गरम होते हैं ज्यादा भी नहीं खाने होते। बाय 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 बाय, दोबारा आना ठीक है, ठीक है बहुत अच्छा परिवार मिल गया और एक बार पूरी फैमिली को आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, अनुराधा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बुलाया था आपको अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए, धन्यवाद, आपसे फिर कभी मिलेंगे। ये गाँव है।